लड़के ने अपने फादर दे अगेंस्ट कंप्लेंट की है कि मेरे फादर दी पूरी नजर है मेरी वाइफ पे। और बड़ा बड़ा इल्जाम एक फादर पे एदी तह तक जावांगी, कोई भी बेटे लिए भी इजी नहीं हुंदा एक पियो ते इल्जाम लाना। मैं ना बच्चियां नु मिलांगी और अप्रिशिएट कर दिया कि उन्होंने मैनू चूज किया कि अपनी मम्मा नु कहा कि मनीषा गुलाटी को जा, कि औरत अपनी डिग्निटी अपने वजूद नु अपने आप नु प्यार करना भूल और पिसती रहती है परिवार दे रिश्ते और अपने आप विच अपने वजूद नाल लड़दी अपनी इच्छावां नु मार दी है। एक लड़का मां और बीवी दे विच उलझिया होया पर बार बार मेरी तरफ ही देखता रहा। मां इतनी ज्यादा अग्रेसिव और शाउट हो रही थी और वो अपनी मां की बाई फड़ता रहा, शांत हो जा, पर उसकी नजर मेरी तरफ ही सर कि किसी तरह मैडम तुसी मेरा घर बसा दो। हेलो एवरीवन, उम्मीद कर दिया तुसी सारे ठीक ठाक हो गए और आज मेरा सडनली लाइव आन का एक परपज सी कि हुने मैनू मेरे एक काउंसलर का फोन आया कि एक बड़ी हाई प्रोफाइल फैमिली पंजाब दी उन्होंने बेटे ने मैसेज भी किया, उन्होंने कंप्लेंट भेज भी दिती कि अपने फादर नू लड़के ने अपने फादर दे अगेंस्ट कंप्लेंट की है कि मेरे फादर दी पूरी नज़र है मेरी वाइफ ते। मेरी फैमिली हुन नाल नहीं रहना चाहती, वो भी सानू क्योंकि मैं इशू रेस करता प्रॉब्लम काफ़ी टाइम तो कहते चल रही सी, जो मैनू हले तक मेरे काउंसलर ने दसिया शायद लड़के दी मदर दी डैथ हो चुकी है। कुछ साल भी है पहले प्रॉब्लम हुई सी कि फादर दा कंसेंट सी कि सेकंड मैरिज नू लेके। ए बड़ा एक संजीदा कंप्लेंट ते एको जिया साडे कोल बहुत सारिया कंप्लेंट ने। ए कंप्लेंट पंजाब दी एक हाई प्रोफाइल फैमिली दी है, पर मेरा मनना फैमिली हाई प्रोफाइल होए मिडिल क्लास होए एक आम फैमिली होए, परिवार ते परिवार ही हुंदा है। पति पत्नी दा जड़ा रिश्ता है वो सिर्फ सिर्फ विश्वास और प्यार ते टिक्या हुंदा है। अज भी साड़ी लोक अदालत सी, अज मैं दो केस सॉल्व किते, 15 केस दी अज हेयरिंग रखी हुई सी क्योंकि कोविड दी वजह नाल केस थोड़े घटाए हुए ने कि मैनू बड़ा सारा बोलना पैंदा है। मैं मास्क लगातार लगा के बैठ ही नहीं सकती, लोगों सारियां नू उत्थे साड़ी वल्लों सख्त इंस्ट्रक्शन दित्ती हुई ने कि मास्क तो बिना डिस्टेंस बना के रखो, तो मैनू बोलना पैंदा। मैं एक काउंसलर बन चुकी हाँ, अज दो केस 15 चो दो केस सॉल्व करते, हसबेंड वाइफ नू मिला के लिखवा के घर भेजता, उन्हों का पैचअप करके 13 चो 3 केसां दी इन्वेस्टिगेशन आपां भेजती, बाकी जिहड़े 10 केस बचे ने उन्हां दी फिर तो दोबारा सैकेंड हेयरिंग होएगी। कुछ पुलिस नू रिपोर्ट मंगवाइए इन्वेस्टिगेशन करन वास्ते, कुछ नू क्या सोच लो ये शादी कोई गुड्डे गुड़ियां दा खेल नहीं हैगा। पर मैं सोचदी हाँ साडा समाज कित्थे जा रहा है, मैनू अज तुसी सारे जवाब दो कि क्या पति पत्नी दा जिहड़ा रिश्ता है आपां एक दूजे दे प्रति निंदी बन जांदे आ, एक दूजे नूं क्रिटिसाइज करन वास्ते आ, ईगो लै आने आ। अज एक फैमिली सी पंजाब दी, इन्ने हसबेंड वाइफ मैच्योर सन, मैनू लगता 55 दे एज दे आस पास होंगे क्योंकि उन्हां दी यंग डॉटर्स ने अपनी मदर नूं मेरे कोल कंप्लेंट दे के भेजिया, वो मैनू फॉलो कर दियां ने। मैं ना बच्चियां नूं मिलांगी और एप्रीशिएट कर दिया कि उन्होंने मैनू चूज किया कि अपनी मम्मा नूं कहा कि मनीषा गुलाटी कोल जा। मैनू अज बड़ी खुशी हुई, हसबेंड वाइफ दोनों एक दूसरे नूं प्यार करदे ने, पर किते ना किते ओ मां और औरत कंप्लेंट सी हसबेंड नूं वाइफ तो कि मेरा ध्यान नहीं रखती, ए मेरे नाल लड़दी रहती हमेशा, तो फ्रस्ट्रेशन इनू रहती है। और वो किसी कुड़ी नाल चैटिंग करते सी, मैं उन्होंने समझाया कि यू हैव ए फैमिली, तुहाडा परिवार है, तुहाडिया यंग डॉटर्स ने, सब तो वड्डी पॉजिटिव गल रही उन्होंने जरा एग्री किया कि मैं करदा चैटिंग। मैं उन्होंने क्या क्यों करते हो, उन्होंने मैंने कहा मेरा स्ट्रेस रिलीव होंदा, मेरा तनाव घटदा। मैं उन्होंने वाइफ नूं समझाया पर कि इहदे च तुहाडा भी थोड़ा जा कसूर है, तुसी इस रिश्ते नूं समझो, इस रिश्ते की अहमियत समझो। और रो पए क्योंकि दोनों एक दूसरे नूं प्यार करदे सन और उन्होंने हसबेंड इस चीज़ नूं समझदे सन कि वो जिस लड़की नाल मैं चैटिंग कर रहा मेरी फैमिली ते मेरे परिवार ते मेरे बच्चियां ते गलत असर पै रहा। एग्री किया, पर मैनू इस स्टोरी च नज़र आया कि औरत अपने आप नू प्यार करना भूल जाती है, परिवारिक जिम्मेदारियों इन्ना को अपने आप नू खुबा लेंदी है अपने आप नू ही। मैं उन्होंने कहा अज ओ बच मां
अपनी बच्चियां नूं एक अच्छी लाइफ देने वास्ते उन्हां दी एजुकेशन, उन्होंने मैनू दस्या हाई क्वालिफाई MSc कर रही, डॉक्टर BSc कर रही है, मैं उन्हां लड़कियां नूं मिलांगी, अपनी बच्चियां दी लाइफ नूं सैटल करने अपने आप नूं भुल गई, अपने आप नूं प्यार करना औरत भुल जांदी है। साडी हर इंडियन विमेन दी यही स्टोरी है कि औरत अपनी डिग्निटी, अपने वजूद नूं, अपने आप नूं प्यार करना भुल पिसती रहिंदी है, परिवार दे रिश्ते और अपने आप विच अपने वजूद नाल लड़दी, अपनी इच्छावां नूं मारदी है, अपने आप नूं भुल जांदी है। इवन अपना जिहड़ा हसबैंड वाइफ दा रिश्ता है उहनूं मैं भी मन्नी आ कि जब तक बच्चे सैटल नहीं होंगे, बच्चे अगे लाइफ विच मूव ऑन नहीं करते, हसबैंड सैकेंड प्रायोरिटी ते रहिंदे ने। शायद मेरे नाल भी यही होई है, मेरे बच्चे, क्योंकि हाले मेरे दो अनमैरिड बच्चे ने, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी भी जिहड़ा मेरा एक मदर दा लव है, मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे ने, पर बच्चों के नाल नाल मैं बैलेंस किया होया अपनी लाइफ विच, मेरे हसबैंड भी मेरी प्रायोरिटी ने। मैं ध्यान रखना उन्हां दी नीड्स दा, उन्हां नूं किस प्रायोरिटी ते रखना। इसे तरह ही हर औरत नूं, साडा समाज हुण कित्थे जा रिहा, तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स च जवाब दियो कि अज जड़े रिश्ते हसबैंड वाइफ दे उलझदे जा रहे ने, उन्हां दा मेन कोज की है, रीजन की है, ए रिश्ते कदों ठीक होणगे, ए जड़े एलीगेशन अज एक है बड़ा वड्डा हाई प्रोफाइल फैमिली और बड़ा वड्डा इल्जाम एक फादर ते, इहदी तह तक जावांगी। कोई भी बेटे लई भी ईजी नहीं हुंदा एक प्यो ते इल्जाम लैना, पर मैनू बड़ा इस चीज़ नू लैके एक, क्योंकि मैं कुछ एहो जिहे केस हैंडल किए ने जिहड़े कंप्लेंट्स झूठियां पाइया गई ने, मैं इन्वेस्टिगेशन की है और मैं उन्हें 182 के तहत कार्रवाई करवाई है कि कमीशन नू मिसगाइड किया, गलत इन्फॉर्मेशन दिती, पुलिस तो मैं इन्वेस्टिगेशन करवाई, उनकी तह तक गई, उनके प्रॉपर्टी का रौला नज़र आया कि बच्चों की प्रॉपर्टी फादर की, फादर ते मदर के जान तो बाद कई बार पेरेंट्स भी पार्शल हो जाते हैं बच्चे, अज पहले बच्चे नू ज़्यादा प्यार करता, सैकेंड नू इग्नोर करता, थर्ड फायदा चुक, इस तरह की भी गल्लां होंदियां ने, पेरेंट्स भी पार्शल होंदे ने, दरानी जठानिया के जिहड़े रिश्ते ने नूहां च भी पार्शल पार्शैलिटी करन लग जाते ने, भेदभाव होने लग जाता हर वक्त। अज भी अदालत विच एक लड़का माँ और बीवी दे विचे उलझिया होया, पर बार बार मेरी तरफ ही देखता रहा, माँ इन्नी ज़्यादा अग्रेसिव और शाउट हो रही सी और वो अपनी माँ की बाहीं फड़दा रहा, शांत हो जा शांत हो जा, पर उनकी नज़र मेरी तरफ ही सन कि किसी तरह मैडम तुसी मेरा घर वसा दो, मेरा घर वसा दो, मेरी बच्चियाँ रोल जाएंगियाँ, मेरा घर वसा दो कि तुसी काउंसलिंग करो। एक होर लेडी आई, उनके हसबैंड बैंक विच ने, मैडम कोर्ट विच केस चल रहा है, फिर भी वो कहती तुसी एक बारी बुला के काउंसलिंग कर दो। ठीक है, ये लोगों का ट्रस्ट है, विश्वास है मेरे ते कि शायद मैं बहुत सारे घर जोड़ चुकी हाँ। ठीक है, उन्होंने सब दी अलग अलग, हर इंसान के जीवन की एक अलग स्टोरी है, पर मेरा यह मानना है साढ़े समाज में हम इस टाइम इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अज मैं पहला मील अपना 3 बजे खादा, क्योंकि आज कोर्ट सी, जिस दिन मेरी कोर्ट होंदी है मैंने होंदा है, बड़ा सारा काम मेरा अपना भी होंदा है, करती रहनी हाँ, पढ़ती हाँ मैं कि मेरे रिसर्च चलती रहती है, तो फस्ट मील आज मैं अपनी अदालत खत्म करके 3 बजे लिता और उस तो बाद लोगों को मिलना शुरू किया। फिर उइयो हुन फिर कंप्लेंट्स पढ़ती भी सी, देखती भी सी, फिर मैं सोचा तुहाडे नाल शेयर करा, सडनली मेरे काउंसलर दा फोन आया, मैनू उन्होंने दसिया, बड़ा संजीदगी दा ए मैटर है, क्योंकि एक बड़ी वड्डी फैमिली है, फैमिली जो भी होवे, पर तुसी कमेंट बॉक्स च जरूर जवाब दो कि अप्पा इस चीज़ ते किस तरह इन्हां जिहड़े अपने रिश्ते ने हसबैंड वाइफ दा, मेरा यह मनना है पति और पत्नी दा जिहड़ा रिश्ता सिर्फ विश्वास, प्यार और सैक्रीफाइस ते भी टिक्या हुंदा। सम टाइम बहुत सारी चीज़ां सानू बैलेंस करना पैंदा, कुछ चीज़ां तुसीं कई वारी सुनना पैंदा, कई वारी सुनाना पैंदा, हर वारी ईगो नूं अपने उत्ते लैके, पता है जीवन विच जदों रिश्ते इदां उलझने शुरू होंदे ने, इह चीज़ां नूं कौन सफ़र करदा, सिर्फ और सिर्फ बच्चे सफ़र करदे ने। तो देखना पएगा, तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स जवाब दो, क्या तुहानूं भी कदी इस तरह महसूस होया, क्या तुहानूं लगदा है कि हसबैंड और वाइफ के जड़े रिश्ते ने उन्हां च कित्थे की प्रॉब्लम आती है, क्या पेरेंट्स पार्शल होंदे ने, मैनू जो महसूस होया तुसीं मैनू कमेंट बॉक्स जवाब दो। इतवार नू संडे वाले दिन मैं 11:30 बजे फिर तो तुहाडे बड़े सारे लोगों के मैनू व्हाट्सएप ते मेरे इनबॉक्स क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ मेरी पर्सनल लाइफ के बारे लोग जानना चाहते हैं, मेरे अपने हसबैंड नाल किस तरह के रिलेशन ने, मेरा फैमिली की है, मेरी रूटीन की है, और कुछ जनरल जनरल लोगों के क्वेश्चन ने समाज नू लैके, तो मैं उन्हां चों भी कुछ सवाल चूज किए ने कि जिहड़े वाकई ही जवाब देने चाहिए ने,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਬੋਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੰਡੇ 11:30 ਆਵਾਂਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਰਦ ਪਿਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਔਰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਟੂ ਸ਼ੋਰਟ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਦੇਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ ਐਡੋਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ 'ਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਐਡੋਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਫੀਮੇਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਇੰਡ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਫੋਲੋਅਪ ਖੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ਼ ਯੂਜਵਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।